उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण में सुधार को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी को लेकर सरकार ने सूबे के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है, जिससे प्रदेशवासियों को आरामदायक और सुलभ यात्रा की सुविधा मिल सके। इन बसों का किराया साधारण बसों के बराबर ही रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का ऐलान किया था, जिसको धरातल पर उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया, जिसमें प्रदूषण से राहत देने के लिए मुरादाबाद को भी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। अब मुरादाबाद की जनता भी इलेक्ट्रिक एसी बसों में सफर कर सकेगी। जिले में इलेक्ट्रिक बस मिलने के बाद नगर विधायक रितेश गुप्ता सहित कई दूसरे जनप्रतिनिधियों ने शहर की सड़कों पर इन बसों में सफर किया, जिसके बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया। नए साल में माननीय प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद की जनता को इलेक्ट्रिक बसेस के रूप में तोहफा दिया है। इस तोहफे के लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद, इसमें इलेक्ट्रिक बसेस का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। 25 बसेस मुरादाबाद महानगर को मिली हैं, जो कि मुरादाबाद के विभिन्न मार्गों में से चलाई जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मुरादाबाद में पॉल्यूशन का स्तर हमेशा से बढ़ा रहता है, तो इलेक्ट्रिक बसेस की वजह से पॉल्यूशन भी कम होगा। और इसके लिए मैं मुरादाबाद की जनता का को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पिछले लगातार हमने कई महीने से इसमें स्मार्ट सिटी के जितनी भी परियोजनाएँ हैं उसमें काम करना शुरू किया। इलेक्ट्रिक बस ऐसा था जो सेंट्रलाइज्ड था, जो हमें शासन से प्राप्त होना था, लेकिन उनके चार्जिंग स्टेशन, उनके डिपो वगैरह तैयार करने थे, हमने समय पे तैयार कर लिया। दो एक छोटे मोटे काम बचे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये यहाँ के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और लोगों के लिए एक सस्ते दर पे भ्रमण करने के लिए एक बेहतरीन सुविधा है। और यूँ कहें कि स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है उसके जो लाभ हैं, अभी आने शुरू हुए हैं। बहुत सारे हमारे कार्य हैं जो अभी पाइपलाइन में है और जल्दी ही पूरा करने का हमारा लक्ष्य है, उस पर लगातार तेज़ी से काम हो रहा है। कोरोना के एक पीरियड की वजह से हमें लगातार एक 1.5 साल तक डिस्टर्ब रहा, उस डिस्टर्ब एटमॉस्फेयर में ही काम करना पड़ा, तो निश्चित रूप से उससे काम प्रभावित हुआ है। लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्दी जितने सारे काम वर्क फ्लो में आ चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, एक DPR को छोड़ के बाकी सारे काम हमने टेंडर में डाल दिए हैं और बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे।